हाँ बेटा, हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह बारिश, 6 बजे का भी टाइम हो रहा है, बारिश स्टार्ट हो गई है। कल शाम को भी बारिश आई थी और सुबह अभी ये 3:30 बजे से हो रही है बारिश। अभी पशुओं को अंदर बांध दिया है और अभी उठी हूँ मैं, जस्ट बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है। अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ दाल, क्योंकि आज कोई सब्जी नहीं थी, शिमला मिर्च है, बच्चों को पसंद नहीं है, तो बस मैं दाल बनाऊंगी। दाल और रोटी रहेगी आज सिंपल, और फिर उसके बाद अंदर का काम है, कुछ इतना काम है नहीं, तो फटाफट से दाल बनाते हैं। और बेटी की छुट्टियां पड़ चुकी है 28 तारीख से ही, बच्चों 3 दिन और जाएंगे, अभी 4 से इनकी हो जाएगी, तो इनका जाने का मन नहीं करता। अभी ठंडी भी हो रही है, बहन नहीं जाती, क्योंकि छोटे बच्चे जाते हैं तभी जाने का इनका मन करता है। रोज करते हैं, हमारी छुट्टी कब, हमारी छुट्टी कब, हमारी छुट्टी कब। तो बेटी को कल से बुखार भी हो रहा है और इसकी छुट्टियां तो 2-3 दिन हो गई, इसका भी मन नहीं लगता, अकेले अकेले घर पर रहती है तो। और रात को काफी तेज फीवर था इसको। तो गाइज, जो अभी टाइम हो रहा है ना, वो हो गए 8:30 बजे में 5 मिनट हैं। और आज जियाजी की नाइट ड्यूटी भी थी और डे भी, क्योंकि नाइट को उनका सिस्टम नहीं चला तो अभी डे में भी गए हैं। अभी जस्ट आए थे, उसके बाद खाना वगैरह खाए, नहाए धोए और चले गए, हस्बैंड के साथ ही निकल गए। तो हस्बैंड आज 5 मिनट पहले ही निकल गए, उन्होंने भी जल्दी चाय पी ली थी, उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, जल्दी जल्दी ही निकल गए। घर मेरा सारा ऐसे ही पड़ा है क्योंकि रात को आई थी बारिश से बाहर का इतना गंदा हो रहा है। पशुओं को अभी मैं पानी पिलाऊंगी, पहले पशु अंदर ही बांध दिए थे और बाहर अभी धीरे धीरे सूख जाएगा क्योंकि धूप अच्छी वाली निकल चुकी है। मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि पानी आ गया था, कल कपड़े वॉश नहीं हुए थे तो आज काफ़ी सारे हो गए थे, बस लास्ट चक्कर चल रहा है, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, खाना वगैरह बन चुका है, अभी मैं लगूंगी अपने काम में। अंदर का सारा बिखरा पड़ा है, जैसे था वैसा ही है बस। और पशुओं का तो सूखेगा तब जाके होगा, आज पशु नहलाए नहीं थे क्योंकि बारिश में खूब नहाए हैं रात को, वो कल शाम को भी बारिश आई थी और आज सुबह भी बारिश आई है, तो वो नहा तो लिए हैं लेकिन सारे गंदे हो रहे हैं, मतलब तो मिट्टी में सन जाते हैं ना इस तरह से, तो पशुओं को नहलाए नहीं तो बाहर का धोने का कोई काम है नहीं। अभी सारा सूख जाएगा, उसके बाद सारे घर में बाहर से आग निकालने के बाद पोछा लगाऊंगी, सूखने दो सूखने दो, क्योंकि धोऊंगी ना तो वो सूखेगा नहीं, फिर टाइम लगेगा, तो पहले सूख जाएगा धूप की वजह से, उसके बाद तो चला गया। मेरी बेटी की तबीयत रात से ही ख़राब है, अभी वो उठी भी नहीं है, उठी थी फिर से सो गई है, तो अभी दवाई मंगवाई है उसकी और दवाई दूंगी उसको। तो सुबह बारिश हो रही थी जिसकी वजह से दोनों आंगनों में पानी इतना भरा हुआ है, अभी इनको सारे को साफ़ करना पड़ेगा। और पशुओं को अंदर सुबह ही बांध दिया था, चारा अंदर ही डाला था, तो वो भी थोड़ा सूख चुका है। मशीन के कपड़े ऑलमोस्ट वॉश हो चुके हैं, बस अब लास्ट में पोचे वगैरह डालकर और अंदर देख सकते हैं, कुछ भी नहीं समेटा है। बेटी की तबीयत ख़राब है तो मतलब कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा है, बार बार मैं इसको देख रही हूँ। अगर आज ठीक नहीं हुआ, वैसे मेडिकल स्टोर से ही दवाई, क्योंकि देवर का मेडिकल स्टोर है, वहीं से ही लेकर आए थे इसकी दवाई, क्योंकि पहले इसको पेट में दर्द था और उसकी फिर बाद में रात को फीवर हो गया और अभी वोमिटिंग किस्सा मन कर रहा है, तो देख सकते हैं। मैं पूछ रही थी कुछ खाना है, कुछ खाना है, लेकिन ये कुछ खा भी नहीं रही, तो फीवर उतर नहीं रहा है। तो आज तो जिया जी की डे ड्यूटी थी, तो कल अगर रहेंगे तो टाइम पर कल इनको ज़रूर डॉक्टर के भेजूंगी, क्योंकि कई बच्चों का होता है ना कि एक स्पेशल डॉक्टर होता है, उसी के ही इसकी लगती है, तो ये एक डॉक्टर है जो मतलब जल्दी असर हो जाता है इसको, एक दो बार से ही मतलब, तो उसके ही भेजेंगे कल, क्योंकि इसको ज़्यादातर पेट इन्फेक्शन ही होता है इसका, तब भी ये बीमार पड़ती है तो पेट में इन्फेक्शन ही होता है, अभी भी लूज मोशन है तो पेट इन्फेक्शन ही बताएंगे, दोबारा से देख लेना। तो बस फटाफट से कर लेते हैं अंदर का, समेट लेते हैं काम, और फिर 1-2 दिन बाद दीदी की छुट्टियां पड़ जाएगी, फिर सारे घर की साफ़ सफाई भी करेंगे, अभी नहीं किए हैं साफ़ सफाई क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, टाइम भी नहीं मिलता और धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है तो करने का मन नहीं करता। पूरा बड़ा फैमिली आप सभी को पता है तो खाना वगैरह बनाने में ही टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर बस मैं मशीन से निकाल लेती हूँ कपड़े, इनको सुखा के आऊँगी, थोड़ी थोड़ी धूप निकलना स्टार्ट हो गई है, हवा लगेगी, सूख जाएंगे और तब तक आंगन वगैरह भी सूख जाएंगे, अंदर का करूँगी तो उसके बाद बाहर का निपटेऊँगी। बेटी को अभी आराम ही कर रही है, बिस्किट मंगवा कर दे दिए थे, दूध बिस्किट ये खा लेगी, उसके बाद में इसको जो दवाई दे रखी है वो दवाई दूंगी और ये फिर सो जाएगी। नहलाऊंगी इसको गर्म पानी से नहलाऊंगी, क्योंकि ये नहाए बिना बिल्कुल भी नहीं रुकती है, 1 दिन भी बिना नहाए नहीं रुकती है, तो नहलाना तो इसको ज़रूर पड़ेगा।
तो बस यहाँ पर पानी आ रहा था, और पानी आता रहता है तो काम भी जल्दी जल्दी निपट जाता है। पशुओं को भी आज नहीं नहलाया क्योंकि रात को भी बारिश आई थी और फिर सुबह सुबह भी बारिश आ रही थी, तो पशु बारिश में ही नहा लिए थे। अभी उनको पानी वगैरह पिला दूँगी एक बार 10-11 बजे के करीबन, तो उस टाइम पर फिर शाम के समय पिला देंगे। पंखा चलाने की भी आज पशुओं के पास इतनी ज़रूरत नहीं है, ठंडा मौसम हो रहा है तो आराम से बैठ चुके हैं वो। बस एक बार ये सूख जाएगा पूरा आंगन वगैरह, तो यहाँ से मैं एक बार झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दूँगी। तो कपड़े तो मेरे ऑलमोस्ट वॉश हो चुके थे और मैं लेकर आ गई हूँ ऊपर की तरफ। आप देख सकते हैं नीचे भी वैसे तार लगा दिया था, बट नीचे मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि ऊपर धूप अच्छी आती है तो जल्दी सूख जाएंगे, और मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश के मौसम में होता है ना, वैसे जून का महीना जैसा महीना नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 तार लगाए हुए हैं और छत बिल्कुल खुली है, मतलब आराम से कपड़े वगैरह सुखाने की कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। तो सारी जो क्लोथ क्लिप थी मैं उतार कर रख देती हूँ फटाफट से, सब पे लगानी पड़ेगी क्योंकि हवा कभी भी चल सकती है और बार बार ऊपर चढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बस एक बार सुखा कर जाऊँगी और दोबारा से मतलब सूख जाएंगे ना, ये मौसम है इसमें 2-3 घंटे लग जाएंगे। अदरवाइज जब धूप वाला मौसम होता है, जो गर्मी वाला मौसम होता है, उसमें तो 20 मिनट लगते हैं कपड़े सूखने में। तो मैं सुखा कर जाती हूँ, उसके बाद बस फट पोछा वगैरह लगाने के बाद उतार कर भी लेकर जाती हूँ। ज़्यादा देर तक मैं धूप में कपड़े नहीं रखती क्योंकि इनसे कलर वगैरह फेड हो जाता है, नए नए कपड़े ही ख़राब हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड तो हमेशा बोलते हैं कि मेरे कपड़े उल्टे करके सुखाया करो क्योंकि सीधे होते हैं तो ये जो ऑफ़िस की ड्रेसेज हैं ये फेड हो जाती है इनका कलर, तो अच्छा नहीं लगता। तो उनकी ड्रेस हमेशा ही उल्टी करके सुखा खाते हैं। तो आज बच्चों की सारी ड्रेसेज वॉश हो चुकी थी, बस अभी बच्चों का लास्ट है, 1-2 दिन और जाएंगे, उनके बाद इनकी सारी ड्रेसेज 1 मंथ के लिए पैक करके रख देंगे क्योंकि इनकी अलमारी वैसे ही भरी रहती है। फिर ये मामा के यहाँ चले जाएंगे, फिर हमारे घूमने का प्रोग्राम है वैष्णो देवी तो वहाँ चले जाएंगे, उसके बाद फिर इनके स्कूल लग जाएंगे। तो 1 मंथ के लिए इनकी सारी जो भी चीज़ें हैं मैं किसी उसके अंदर डाल कर रख दूँगी, और इनका स्पेशल एक हमने बक्सा बनाया हुआ है, उस बक्से के अंदर इनकी सर्दियों के कपड़े होते हैं उसमें सारे तो रख देंगे, जब चाहेंगे मतलब निकाल लेंगे, टिफ़िन वगैरह भी सब कुछ, क्योंकि थोड़ा सा तसल्ली मिल जाए, खुला खुला घर मिल जाए। तो देख सकते हैं सारे कपड़े सुखा दिए हैं मैंने और सब पे मैंने क्लॉथ क्लिप भी लगा दी है। एक दिन में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, अगर एक दिन वॉश नहीं करते हैं तो कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी साफ़ था बिल्कुल, तो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी क्योंकि आज धूप इतनी ज़्यादा है, नहीं तो ऊपर नीचे नहीं डाले कपड़े, मतलब एक एक करके डाले हैं। तो मैं आ गई हूँ नीचे की तरफ और आपको दिखाती हूँ, मेरी बेटी फिर से सो गई है, थोड़ी देर उठी थी फिर से सो गई है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अदरवाइज ये बिल्कुल भी नहीं सोती, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और अभी मैं अंदर का समेटूंगी, मैं कपड़े वगैरह सुखा के आ गई हूँ, बस अब अंदर का काम करना बाकी है। तो यहाँ पर मेरी बेटी नहा भी चुकी है और टाइम हो रहा था 10:30, और यहाँ पर ये इतना मतलब देख सकते हैं कितना गुस्सा कर रही है, नए कपड़े पहन लिए, बस दवाई देते ही इसका सारा बुखार उतर जाता है। और तो 10-15 मिनट बाद फिर से इसको लटलटी आ जाएगी, मतलब बार बार में बुखार, जब दवाई देती हूँ तो आधे घंटे के लिए इतना ही मतलब वो करती है। अभी कह रही मेरे को पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओगी तो मैं कुएँ के अंदर डाल के आ जाऊँगी, ये डाल के आ जाऊँगी। तो मैं कह रही हूँ तू खुद खेल ले, मैं काम करूँगी क्योंकि मेरा काम पड़ा हुआ है, मैंने खाना भी नहीं खाया था अभी तक, और उसके बाद मुझे और भी काम करने थे, बट ये नहीं मान रही थी, बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। देख सकते हैं सारे पैसे वगैरह ले रखे हैं इन्होंने और चली गई है अपने अंदर की तरफ। तो इस तरह से ये रहते तो मन लगा रहता है। तो यहाँ पर इसके कपड़े फिर से मैंने चेंज कर दिए हैं क्योंकि वो वाइट पैंट थी, काफ़ी ज़्यादा लूज हो रही थी वो पैंट। और ये यहाँ पर कह रही है मेरा हॉलीडे होमवर्क करवाओ, हॉलीडे होमवर्क करवाओ। वैसे सही भी है, अभी ये कर लेगी तो ठीक है, अदरवाइज बाद में ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। 2-3 दिन तक बच्चे शौक से काम करते हैं, बाद में नहीं करते हैं। इसका ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी जो इसका एक पेपर और मिलेगा उसमें करना है। नोटबुक का ज़्यादा अगर हो चुका है, आज या कल मैं इसका पूरा करवा कर इस नोटबुक को रख दूँगी, अदरवाइज आधी नोटबुक तो ऐसे ही फाड़ देते हैं बच्चे फिर। तो ये लिख रही है, बोल रही है, और मैं अपना खाना लेकर आ गई थी, मैं खाना खाऊंगी उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 1 बज गया है, बस 5 मिनट बाकी हैं, और मैं नहा के आई हूँ अभी जस्ट, और इसको भी नहला दिया था गर्म पानी करके, और ये कह रही है काम करवाओ काम करवाओ, और मैडम की तरह काम करवाओ। तो मैं काम करते करते थक गई हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद तेरा होमवर्क करवा दूँगी, क्योंकि बच्चों को 2-3 दिन तक शौक रहता है काम करने का, होमवर्क मतलब जो हॉलीडे होमवर्क है उसके बाद मतलब ये नहीं करेंगे। तो इसका ऑलमोस्ट हमने करवा दिया था, मतलब 1 वीक हो जाएंगी छुट्टियों को, अभी 4-5 दिन हो गए हैं, सारा काम कर लिया। फिर से बादल हो रहे हैं, शाम को बारिश फिर से आनी है, सारे घर में पोछा लगाया, बाहर का अच्छे से धो धा कर पोछा लगा दिया है,
बर्तन वगैरह स्टैंड पर लगा दिए, कपड़े भी उतार कर लेकर आ गई हूँ, बट कपड़े तह अभी लगाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्किन के अपना लगा लेते हैं जो भी लगाते हैं सनस्क्रीन वगैरह, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और आज मेरा बेसन के लड्डू बनाने का मन कर रहा है, तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो बेसन रखा हुआ है घर का बना हुआ, जो मोटा मोटा होता है ना लड्डू बनाने के लिए, वो बनेंगे तो थोड़े से ही, बट एक एक दो दो सब खा लेंगे, तो वो बनाऊंगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोपहर में नींद नहीं आएगी क्योंकि बेटी तब तक नहीं सोएगी, तो मेरे को ये सोने भी नहीं देगी, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं हम लड्डू। तो यहाँ पर मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ, घर का बना हुआ बेसन रखा हुआ था, वो अनाकड़े जो होते हैं वो उसे बनाने के लिए बनवाया था स्पेशली, दाल पिसवा कर घर का, वो जो मोटा मोटा बनता है ना उसी के ही लड्डू अच्छे लगते हैं, जो हम मोल का बेसन लेकर आते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बारीक होता है, उसके लड्डू खाने में टेस्टी नहीं होते। तो देसी घी डाली है, घर का ही घी था अपना खुद की भैंस का, और उसके अंदर डाल दी 2 कटोरी बेसन, क्योंकि सारी 3 कटोरी थी, एक दिन अनाकड़े और बना लूँगी, मेरे हस्बैंड को अनाकड़े इतने पसंद है, हर सैटरडे को बनवाते हैं, वैसे तो नहीं खा सकते क्योंकि सुबह सुबह जाते हैं तो ब्रेकफास्ट वैसा ही लेकर जाते हैं, अनाकड़े राबड़ी वगैरह कुछ नहीं बनाते, हम सैटरडे को ही राबड़ी और अनाकड़े बनाते हैं, तो बच्चे भी खा लेते थे, बहन का बेटा बड़ा शौक से खाता है, बेटी भी खाती है और मैं भी खा लेती हूँ, मेरा बेटा नहीं खाता है बिल्कुल, वो तो ना तो रात की बासी जो मेसी रोटी बनती है वो खाता है, गर्मियों में सब खाते हैं बट वो नहीं खाता है। तो यहाँ पर जो लड्डू का मैंने घी के अंदर अच्छे से भून लेते हैं इसको, बेसन को अच्छे से, और तो गाइस मैं लो फ्लेम पर बना रही थी, यहाँ पर देख सकते हैं खांड घी सब कुछ, मैं इसको समेटूंगी, अभी समेटा नहीं है, और मेरी बेटी मेरे से ऐसे कह गई थी पढ़ा दो, मैं बोली थोड़ी देर में लड्डू बना लेती उसके बाद पढ़ाऊंगी, फिर मेरे को थोड़ी देर बाद कहने आई कि मम्मी मैं सो रही हूँ कमरे में पंखा चला के, लाइट बंद करके पंखा चला के सो भी गई, काफ़ी देर सो गई थी, आज नहाने के बाद दोबारा से सो गई, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अदरवाइज इतना बिल्कुल भी नहीं सोती, देख सकते हैं नोटबुक यहीं पर रखी हुई है, और मैं दिखाती हूँ पंखा लाइट बंद है, बंद कर देती हूँ, सोएगी काफ़ी देर सोएगी, अभी पंखा थोड़ा कम कर देती हूँ क्योंकि फीवर हो रहा है इसको, तो अभी थोड़े ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद ये लड्डू मतलब बनाऊंगी और बच्चे खुश हो जाएंगे आज देखिए, क्योंकि बच्चे को कुछ नया मिलता है, मेरा ही 2 दिन से खाने का इतना मन कर रहा था सच में, कुछ मीठा खा लूँ, तो बस ये बना दिए हैं, अभी देख सकते हैं आप, अभी इसको मैं लड्डू की फॉर्म में लेकर आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 2 चम्मच घी और मिला लिए हैं, और थोड़ा गर्म ही है बट मेरे को तसल्ली नहीं हो रही थी, मैं सोच रही थी फटाफट से इनको लगा देती हूँ, लड्डू बना कर रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएंगे उसके बाद फ्रिज के अंदर रख दूँगी, और बच्चे जब देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे। अब बच्चों को पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना पूरी मेहनत से इन्हें बनाए हैं और अच्छे भी लगे मुझे तो, और बाद में खाए थे थोड़े से, टेस्ट भी किया था, ज़्यादा तो नहीं खाया, थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है, तो बन जाएंगे 15-20 लड्डू। तो गाइज आज के वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लास्ट में बच गया था वो मैंने खा लिया है, इस तरह से खाने में बड़ा मज़ा आता है, पहले इस तरह से बड़े चाटते थे जो बच जाता था कढ़ाई के अंदर, किस किस ने चाटा जरूर कमेंट में बताना।